दोस्तों ये बात तो आपको भी पता होगी कि 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन यानी कल ही हमारे देश में किसान भाई लोगों के द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली के दौरान माहौल बिगड़ गया और माहौल इस हद तक बिगड़ा कि लाल किले पर तिरंगा झंडे को भी हटा दिया गया, वहां दूसरे झंडे लगा दिए गए। उसके बाद सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए। अमित शाह गृह मंत्री ने तत्कालीन मीटिंग भी बुलाई थी। कई जगहों पर इंटरनेट और SMS सेवा को बंद किया गया और यहां तक कि दोस्तों 5 दिन तक शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला भी लिया गया। किन किन राज्यों में ये लागू रहेगा मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और उसके बाद कल माहौल बिगड़ा और उसके बाद में अभी तक किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट और मीडिया में चर्चाएं आ रही है आपके लिए जरूर जानना चाहिए। एक भारत के नागरिक होने के नाते देश में क्या कुछ हलचल चल रही है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में जो कल माहौल बिगड़ा उत्पाद हुआ उसको लेकर पुलिस सख्त है और 200 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। उसके बाद से कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के दौरान जो बवाल हुए उसके बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अब तक तकरीबन 22 प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें से ईस्टर्न रेंज में 5 FIR दर्ज की गई है। आज भी दिल्ली में कई रास्ते बंद हैं। किसान संगठन आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं किसानों के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बड़ी तादाद में किसान संसद मार्च नहीं करेंगे। चुनिंदा प्रतिनिधि अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर पैदल मार्च करते हुए संसद तक जाएंगे। हिंसा के 200 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के जल्दी गिरफ्तारी करने का फैसला भी किया है और क्राइम ब्रांच को सौंपी गई लाल किले पर हिंसा की जांच को क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है FIR दर्ज करके और दिल्ली पुलिस ने डकैती की धाराओं के तहत कई लोगों पर केस भी दर्ज कर दिया। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के एक स्पेशल टास्क फोर्स ने स्पेशल सेल ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ये देखना चाहती है कि कहीं खालिस्तान की तो इसमें कोई भूमिका नहीं है। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की दिल्ली के ITO पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान रामपुर के युवा किसान की ट्रैक्टर पलटने से जो मौत हो गई थी उस युवा किसान का शव रामपुर पहुंच चुका है और पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को गांव भेजा जाएगा। आज उसका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। दिल्ली के लाल किले के अंदर कई तोड़फोड़ की गई जहां पर सामान बिखरे और कांच के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप इसको लेकर देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर कितना उत्पाद मचाया गया। ये लाल किले की लाइव तस्वीरें निकल कर आ रही जहां पर CCTV कैमरा भी टूटा हुआ मिला और कई सारे कांच और कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए बिखरे हुए दिखाई दिए। अब कल जो ये जो कुछ भी माहौल बिगड़ा ना दोस्तों इसको लेकर दीप सिद्धू एक्टर है जो कि एक उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर आरोप लगाए कि लाल किले पर मचे बवाल का षड्यंत्रकारी उनको माना जा रहा। अब असल सच्चाई क्या है ये तो सरकार की जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। बात कुछ यूं है ना कि गणतंत्र दिवस पर जो किसानों संगठन की ओर से जो ट्रैक्टर रैली की परेड निकाली गई थी उसने अचानक झड़प का रूप ले लिया जिसमें तकरीबन 86 तो पुलिस कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। करीब 2 महीने से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के अचानक यूं बेकाबू होने की वजह से हर किसी के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं और इसी बेकाबू होने की वजह खोजी गई तो कुछ किसान नेताओं ने दीप सिद्धू का नाम लिया। किसान नेताओं का कहना है कि दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया। अभिनेत्री गुल पनाग ने भी ट्वीट करके दीप सिद्धू पर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू की PM मोदी और अभिनेता से नेता बने सनी देओल के साथ तस्वीरें भी जमकर शेयर हुई। आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि दीप सिद्धू ये आंदोलन को भड़का रहे हैं। अब आखिर वो कौन है? तो दीप सिद्धू एक मॉडल अभिनेता और लीगल एडवाइजर भी हैं। दीप सिद्धू का जन्म पंजाब के मुक्तसर में हुआ। वह मॉडल और अभिनेता रहे हैं। किंग फिशर मॉडल हंट समेत उन्होंने कई मॉडलिंग की प्रतियोगिताएं जीती हैं। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने रमता जोगी से कदम रखा। इस फिल्म को मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के बनेर विजेता फिल्म्स में बनाया गया था। अब दीप सिद्धू आखिर किसान आंदोलन से कैसे जुड़े हुए हैं? तो जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ दीप सिद्धू सक्रिय हो गए। रास्तों को टोल फ्री करवाने और गांव-गांव जाकर किसानों को आंदोलन करने के लिए तैयार करने में सिद्धू ने भी अहम भूमिका निभाई। कई बार उन्होंने कई ऐसे अलगाववादी बयान दिए थे जिसे किसान संगठन बिल्कुल पसंद भी नहीं करते थे। वह किसान संगठन के नेताओं के खिलाफ भी बोलते थे। कई बार तो आंदोलन के दौरान किसान नेताओं को उन्हें स्टेज पर भी नहीं चढ़ने दिया। इन सब के बावजूद युवा किसानों में इनकी लोकप्रियता काफी अधिक है। किसानों से जुड़े रहने के लिए वह खुद जमीन पर तो सक्रिय रहते हैं, साथ ही डिजिटल सुविधाओं का भी पूरा सहयोग लेते हैं। वह अक्सर फेसबुक लाइव के जरिए किसानों को संबोधित भी करते रहते हैं। अब किसान संगठनों की पुलिस से बातचीत तो चली रही थी। वह तय रूट से ही ट्रैक्टर परेड निकालने वाले थे लेकिन आरोप ये लगाया गया कि एक रात पहले ही दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना कुछ किसानों से मिले, उन्हें भड़काया कि किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं निकला, 2 महीने हो गए हैं, ये सरकार की बात मान लेते हैं। बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला, हम दिल्ली में घुसेंगे और लाल किले पर जाएंगे। ऐसी प्लानिंग पहले ही बनाई गई, मतलब ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अब असल सच्चाई क्या दोस्तों ये हम नहीं जानते हैं। सच्चाई सरकार की हकीकत सामने आने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर और एक खबर देखिए। आंदोलन में उपद्रव पर दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। सिंधु और टिकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। और कुछ हेडलाइंस न्यूज आप देख पा रहे होंगे कि हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 200 लोगों को डिटेन किया और लाल किले में डकैती डालने का मामला उन पर दर्ज किया गया और किसानों के लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जो झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया कि लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा दूसरा झंडा लगाना
राष्ट्रीय झंडे का अपमान है और पत्र में यह भी मांग की गई कि दूसरा झंडा फहराने वाले प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही की जाए। कानून के छात्र आशीष राय ने मुख्य न्यायाधीश को यह पत्र लिखा है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब के तरन तारण के युवक ने फहराया था लाल किले पर झंडा निशान साहिब, उस झंडे को नाम दिया जा रहा है। कुछ फुटेज भी आप देख सकते हैं वो शख्स कौन है जिसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल जानकारी बताई। बाकी दोस्तों एक फैक्ट चेक के दौरान ये भी जानकारी निकल कर आने की झंडा खालिस्तानी नहीं था, खालिस्तानी झंडा नहीं फहराया गया, न ही उपद्रवियों ने लाल किले पर तिरंगे को भी नहीं हटाया था, बस उससे ऊपर उनका दूसरा झंडा फहराया था, ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है। वहीं किसान नेताओं का यह कहना है कि जिन्होंने लाल किले पर हिंसा फैलाई वे सरदार नहीं बल्कि गद्दार हैं। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से किसान नेता यही बोले। किसानों की ट्रैक्टर रैली में फैली हिंसा में दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने असहाय नजर आई। इस बीच अब केंद्र सरकार ने राजधानी में पैरा मिलिट्री फोर्सेज की 15 से 20 कंपनियां, करीब 1500 से 2000 जवान भी तैनात करने का फैसला किया। इस बीच हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज कर लिए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों को पकड़ने की तैयारियां भी चल रही है। वहीं इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि लाल किले में जिसने भी हिंसा फैलाई उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, वे लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। आपको बता दूं दिल्ली में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने का फैसला गृह मंत्री अमित शाह के घर पर रखी गई बैठक में लिया गया। अमित शाह ने इसी के साथ दिल्ली पुलिस को उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। अब दोस्तों इस कल जो माहौल बिगड़ा उसके बाद किन राज्यों में इंटरनेट सेवा बंद की गई तो इसको लेकर खबर देख पा रहे कि दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट कल बंद किया गया। कल रात 12 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट बंद था और दिल्ली के अलावा भी दोस्तों किसान आंदोलन के बाद पंजाब और हरियाणा में भी हाई अलर्ट तो है ही। वहीं सोनीपत समेत हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा को बंद कर दिया गया। हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में भी इंटरनेट बंद है। और फर्स्ट में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शराब की दुकानें बंद रखने को लेकर आखिर सरकार का क्या फैसला है, तो यहां पर खबर आ रही दोस्तों कि राजधानी दिल्ली में 31 मार्च तक 5 दिन तक शराब की दुकानें बंद रखने का सरकार ने फैसला किया और इसको लेकर ऐलान भी कर दिया गया। जी हां, दरअसल दोस्तों राजधानी दिल्ली में 31 मार्च तक के बीच में 5 दिन तक सरकारी शराब की दुकानें जो है बंद रहेगी। अब 5 दिन तक शराब की दुकानें कब कब बंद रहेगी तो इसको लेकर दिल्ली के आबकारी कमिश्नर राहुल सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। और इस आदेश में हालांकि ये कहा गया दोस्तों कि इस दौरान होटलों में शराब परोसने पर रोक नहीं रहेगी, यह आदेश सिर्फ शराब की दुकानों पर ही लागू होगा। 5 दिन कब कब बंद रहेगी, एक तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन शराब की दुकानें बंद रखी गई थी, उसके बाद 27 जनवरी आज भी गुरु रविदास जयंती है इस मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेगी, उसके बाद 8 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेगी, 11 मार्च को महाशिवरात्रि है और 29 मार्च को होली के उपलक्ष्य में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से राजधानी दिल्ली में बंद रहेगी, बैन रहेगी। ओके, तो ये किसान आंदोलन के बीच सरकार के कुछ बड़े फैसले रहे और किसान आंदोलन को लेकर ये कुछ चर्चाएं और खबरें उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।